सरकार होनी चाहिए। आप में से अगर कोई भी इतना ताकतवर है, इतना शक्तिशाली है, जो मेरे विचारों से सहमत है और कहना चाहता है कि महाराष्ट्र फतेह करना है, अगर महाराष्ट्र फतेह करना है तो मुझे मेरे नंबर पर संपर्क करना, मैं आपको जिताने के लिए अपनी जान लगा दूंगा। जो आप ये करेगा ना, हाँ। वो झूठा मामला, हाँ। वो सामने जब तक आएगा, हाँ। उसको सब आदमी जुमलेबाज सरकार है, आपसी झगड़े लगाती है, हाँ। और मजदूरों की तरफ और किसानों की तरफ बिल्कुल नहीं देखती, हाँ। ये बड़े लोगों के ही काम करती है, हाँ। ये मोदी सरकार 95 में बढ़ोतरी की आवाज है, लगातार उठती जा रही है, अब ये रुकने वाली नहीं है। ये वो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, जो बुजुर्गों में अपना रोष अपना जोश भर देती है। और आज महाराष्ट्र से पूरे देश से लोग इकट्ठा हुए जंतर मंतर पे। मोटी बात बता दूं, मैंने एक वीडियो डाली थी, मैंने पूछा था कि आप कहां से हैं, तो आपको आश्चर्यचकित होगा कि 100 अगर कमेंट आए थे तो उसमें से 80 लोग महाराष्ट्र के थे। और महाराष्ट्र के लोगों ने जो पीड़ा उठाया है, सबसे आगे बढ़कर ईपीएस की मांग की है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो महाराष्ट्र के अंदर है। और मैंने भी वादा किया था, मैंने भी ये ताल ठोक के कहा था कि अगर महाराष्ट्र के लोग सरकार के खिलाफ खड़े होंगे तो मैं उनसे कंधे से कंधा मिलाने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए महाराष्ट्र भी आऊंगा। और बहुत सारे राज्य थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्यार दिया वो महाराष्ट्र ने दिया। और आज महाराष्ट्र की टीम है, महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, और भी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, सारे बुजुर्ग हैं। सबसे पहले हम परिचय जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मैं देवराव पाटिल। सर, कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं आप? हम लाल बावड़ा संगठन। अच्छा, क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर कहते हैं कि 13 से 14 लाख के करीब पेंशनर्स है ईपीएस? 20 लाख। 20 लाख कम से कम 20 लाख। क्यों? और कंट्रीब्यूटर भी अगर शामिल कर लें तो कम से कम 1 करोड़ हो जाता है, हाँ। किसी की भी सरकार बना सकते हैं, किसी भी सरकार गिरा सकते हैं, है? हाँ। तो फिर महाराष्ट्र में क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट किया जाता? क्या हो गया महाराष्ट्र के अंदर? खासदार इंडिया आघाड़ी के लिए लाया हमने, भाजपा के तो 18 खासदार आ गए, सभी 3 मिला के हमारी खासदार आ गए, हम क्या नहीं कर सकते? तो आपने भाजपा को और इसको सबक सिखा दिया महाराष्ट्र के? हाँ, बिल्कुल। लेकिन आपका तो कोई फायदा नहीं हुआ, वो दूसरे आ गए, वो भी मौज करेंगे। देखो, सांप के पीठ पर मारना पड़ता, हाँ। फिर वो सीधा होता, हाँ। उसको सीधा छोड़ दिया ना तुमने, तो कुछ नहीं होगा, नहीं होने वाला। यहाँ सांप कौन है? यहाँ तो जिसकी सरकार आती है वो वादा करता है, मौका लेके आपके कंधे पे बंदूक चला लेगा और आगे जाके फिर कहेगा भैया वो भी कुर्सी पे बैठ जाएंगे, फिर उनके पीछे भागते रहो। कब पेंशनर की सरकार कब बनेगी? कब पेंशनर अपने आप खड़ा होगा और वो अपनी सरकार बनाएगा और अपना हक लेगा? ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है, जब सभी पेंशनर विरोध में जाएंगे। अभी ये टाइम में इंडिया आघाड़ी पूरे देश में अंदर विरोध में थी, सरकार हमारी आती थी, लेकिन क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन का सपोर्ट इनको मिल गया और 100 MP से 240 हो गए, और 2 आदमी हमारे उधर सपोर्ट में आए, कौन से? चांद्रा वाला ये चंद्रा बाबू और दूसरा नीतीश कुमार, दोनों सपोर्ट में आज, तो सपोर्ट में 6 महीने बदलता पार्टी हो। क्यों नहीं देते हैं? ऐसा देखा गया कि 800-900 रुपया पेंशन है, कहीं कहीं 1000 रुपए से भी कम है, और सरकार ये कहती है कि हमने 1000 दे दिया। 1000 भी नहीं देते हैं, 20-30 किसने दिया 1000? मोदी सरकार कहती है लगातार। एक मिनट, मोदी सरकार इतनी झूठी है, 1 पैसा इसने दिया नहीं। जो हमको मिला 1000 रुपए, उसके ऑर्डर यानी मंत्रालय में 3 मार्च 2014 को हो गई मिनिमम पेंशन 1000 करो, नहीं तो 1 रुपया पेंशन लेने वाले देश के अंदर 74 आदमी थे। कांग्रेस सरकार ने 1000 किया, 1000 नहीं है, अभी हमने 11 लाख की चेतावनी दी है, 1000 बहुत सारे लोगों का कम आ रहा है। क्यों कम आ रहा है? जिन्होंने 1000 25 साल पर डिवाइड किया, एक साल अगर 58 को कम है तो 40 रुपए कम मिलते है। अच्छा, हाँ, 960 ही मिलेगी उसको, तो फिर सीधा सीधा ये क्यों कहते हैं कि 1000 कर दिया? ये बोलिए कि 25 साल वाले को 1000 किया है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, एक साल कम मिनिमम में 1 साल करना चाहिए, ऐसे कांग्रेस गवर्नमेंट की इच्छा थी, रोजा लॉ बनाए उन्होंने, लेकिन जो कम किया तो मोदी सरकार। इन्होंने क्या कम किया? 1000 क्यों नहीं आ रहा है? क्या क्या कारण है? कौन सा फॉर्मूला है? कौन सा तरीका है? ये है कि 58 साल तक सर्विस इन्हें ग्रोथ है, और 25 साल की रेगुलर सर्विस, उम्र होना 28। अगर 57 साल में तुमने छोड़ दिया या कारखाना बंद हो गया तो 40 रुपए कम। और आपकी तो कोई गलती नहीं, अगर कारखाना बंद हो गया तो आपकी क्या गलती है? नहीं, हमारी कोई गलती। अच्छा, ये सरकार कहती भी नहीं, सरकार तो ये कहती है कि सबको 1000 कर दिया, वो तो ये कहती नहीं है कि कारखाना बंद हो गया, 25 साल से कुछ कम हो गया, ये तो कुछ बताती नहीं है। वो तो संसद में उठा के कहती है सबको 1000 मिल रहा है, मिनिमम पेंशन फॉर ऑल।
1000 सब झूठ है। नहीं, 1000 भी नहीं मिल रहा, मैं कह रहा हूँ वो भी झूठ है। इतनी झूठी सरकार है, ये बोलती कुछ है और करती कुछ है। मोदी पे बिल्कुल भी विश्वास हमारा पेंशनर लोगों का बिल्कुल ही नहीं है। अभी उसका नतीजा आपने देख लिया लोकसभा में, उनके 400 पार नहीं मिला उनको रिजल्ट। अभी कैसा है लेकिन अगर ये एक बात बताइए, अगर मोदी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये लगातार कह रहे हैं कि मोदी पर भरोसा नहीं है, मोदी पर भरोसा नहीं है, भरोसा करे तो करे किस पे? सभी तो एक जैसे ही हैं। अब दूसरा आ जाएंगे वो तो पॉलिटिकल बात हो गई। मैं नहीं मानता कि अगर कोई और पार्टी आ जाएगी तो फिर नए सिरे से ही कहानी शुरू होगी। पेंशनर को कोई ऐसा फुल प्रूफ फॉर्मूला नहीं है कि पेंशनर को उनका हक और अधिकार मिल जाए। 2013 में हमारे यहाँ 1 रुपया 4 रुपए 75 रुपए लेने वाले लोग थे। हम 2013 में यहाँ पे बैठे और यहाँ से आवाज निकली तो सबको 1000 के ऐलान हो गई, पर उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें डाल दिए कि भारे को 1000 नहीं मिल सकती। 5 लाख विधवा लोगों को जिनको 250-300 थी, सब विधवा लोग 1000 ले रही है, पर जो मजदूर थे कामगार उनको 1000 नहीं मिल रही। आज हमारे नेता इनको 750 ही है, उन्होंने आपको भी 750 आप कह रहे हो 1000, तो 1000 क्यों, 750 क्यों आपको, 1000 जब कारखाना बन गया ना। अरे तो मोदी सरकार तो ये कहती है कारखाने वारखाने तो सीधा सीधा कहती है सबको 1000। मोदी सरकार सही जैसे झूठ सरकार आज तक इस देश में आई नहीं। कांग्रेस थी, पैसा खाने वाले थे, भ्रष्टाचार भी था, पैसा खाती थी। हाँ, कांग्रेस पैसा ये भी खाते, ये क्या नहीं खाते, ये दोनों ही पार्टियां खा रही हैं। सब चोर हैं। आप क्या कहेंगे? सब मिली भगत है सर, बीजेपी और कांग्रेस, गरीबों को कुछ पूछने वाले नहीं है। अच्छा, आप मुझे जानते हैं? हाँ जी, आपको ज्यादा तो नहीं बोलता, मैं आपको भी झूठ लगेगा। मैं तुमको कम से कम 1 साल से आपका वीडियो देखता करके मैंने आपको देखते बराबर पकड़ लिए। आपने मुझे पकड़ लिया? हाँ, जो ये बात करने की थी, हमारी आवाज कम से कम आप धन्यवाद जी है सही सामने लाने के लिए। सही सामने मेरा यही कहना है, यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी वाले बट जाते, कोई कहता कांग्रेस नहीं, वो हम देख रहे 15 साल तुम चलाओ, 15 साल हम चलाते आगे विधानसभा है ना, इसलिए वो नहीं कर रहे। अब ये करेगा ना वो झूठा मामला, वो सामने जब तक आएगा उसको सब आदमी जुमलेबाज सरकार है, आपसी झगड़े लगाती है और मजदूरों की तरफ और किसानों की तरफ बिल्कुल नहीं देखती। ये बड़े लोगों के ही काम करती है। ये मोदी सरकार ने 2014 के पहले आने से हमसे वादा किया था हम आपको 3.5 और महंगाई भत्ता देंगे। हमारे पास यहाँ पर और प्रकाश जावड़ेकर का बयान याद है यहाँ पे आया था, महाराष्ट्र में आया था, 3 जगह हमारे घर के वादा किया था 90 दिन के अंदर हमको 3.5 और महंगा बता देंगे। बाद में हम उनके घर पे गए 50 दिन के बाद उसने हमारे सामने आए नहीं और आज तक हमारे सामने दिखा भी नहीं। और ये इसलिए झूठी और हर चीज में हर बातों में झूठी बोलने वाली सरकार है ये, और कम से कम मजदूरों को जिसके भरोसे देश चलता है उनको झूठा रखने झूठा रखता है। वो प्रकाश येल्डे ने वर्धा के अंदर मीटिंग लिया था, वो उसने प्रकाश जावड़ेकर ने वहाँ पर भी कम से कम 10,000 रुपए उस वक्त जमा करे मीटिंग लेके लोगों से, गरीब लोगों से वो गए वहाँ पर पैसा लिए उन्होंने। और बाकी बोले 3 ज्यादा हमारी सरकार आने के बाद 90 दिन के बाद में तुम्हारा हम काम करते थे, लेकिन उसे कुछ भी नहीं करा वो, उसको मोदी सरकार ने हकाल दिया वहाँ से। उसका एक नुमाइंदा फिरता है, अभी अगले महीने में मिलने वाली है, ये महीने में मिलने वाली है, 15 दिन में मिलने वाला है वो नुमाइंदा। उसका एक नुमाइंदा है, वो घूमता है हर जगह जाता है, अभी अगले महीने मिलने वाले इस लोगों को, हमारे पेंशनर लोगों को राह दिखाता है और झूठी बातें देता है, ऐसा भी है उनका खिलाफ पिलाव जिसको ऐसे भी लोग हैं क्या जो कि सरकार के साथ एजेंट है सरकार के, ऐसे भी लोग हैं? बहुत सारे हैं लोगों, और वो पेंशनर के नेता भी बने हुए हैं और पेंशनर के नेता बने हुए हैं। और मैं बोलता हूँ हमारा एक विश्वास है सुप्रिया सुले जी से, वो खाता तो लगातार बड़ा अच्छा भाव, उन्होंने बहुत सारे बार पेंशनर की बात की हुए है, अपने लोकसभा हुई
उसमें वो सुप्रिया सुले पे क्या ही करेंगी, वो इतनी शक्ति में नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो मैं आ रहा हूँ आपके पास, आज की सियासत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सियासत करने वालों में चंदन थे वो घिस गए, अब रह गए नम नीम के घोर, असली थे वो चले गए, अब रह गए चपाती चोर, अब रह गए चपाती चोर। नया नाम दे दिया है पेंशनर ने, चपाती चोर, रोटी चोर। अब ये रोटी चोर है, ये जो रोटी खोर है, ये जो इंसान का खून भी चूस ले, इनसे इन इन सरकारों से, इन पार्टियों से कोई उम्मीद है क्या? बिल्कुल उम्मीद नहीं है। तो ये सरकार के अंदर या पार्टियों के अंदर ऐसी बात है कि घोड़े को नहीं मिलती खा से देखो, और गधे खा रहे हैं चवनपुरा से देखो। क्या बात कही है। तो क्या लगता है कि जैसे आप पेंशनर के लीडर हैं, आप पेंशनर के लीडर हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर क्या महाराष्ट्र में बिगुल उठा के चुनाव में क्यों नहीं खड़े होते? हम लोग साथ देंगे, मैं आऊंगा प्रचार करने, मैं आऊंगा। चुनाव की जो बात है, चुनाव की जो बात है, तो 5-25 करोड़ रुपए जिसके पास है वो ही इसमें खड़ा रह सकता। सभी चुनाव अगर अगर देखिए, जिनके पास जनता नहीं है उनके पास पैसा चाहिए। अगर जनता साथ में है तो, अगर जनता साथ में है तो झूठे झूठे बातें देते हैं, झूठी झूठी तुम्हारी तुम्हारी माध्यम से लोगों को बहलाते हैं और सब सब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं इन नेताओं की नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ही लोगों में से कोई बिगुल उठा ले अपने में से, आप हो जाओ और सब लोग मदद करें और उसकी सरकार बना दे, तब क्या होगा? इसी झगड़ा लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगा के लोगों को बहला देते हैं और गुमराह करके लोगों को एक जगह आने नहीं देते। ये इनकी नीति है, इसलिए लोग एक जगह आ नहीं सकते। लेकिन पेंशनर क्या लगता है, हिंदू के नाम पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, मुस्लिम के नाम पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, दलित के नाम पे इकट्ठा हो जाते हैं, ओबीसी के नाम पे इकट्ठा हो जाते हैं, युवाओं के नाम पे इकट्ठा हो जाते हैं, महिलाओं के नाम पे इकट्ठा हो जाते हैं, बच्चों के नाम पे भी बच्चा पार्टी बना लेते हैं, लेकिन पेंशनर इकट्ठा होकर अपना चुनाव नहीं लड़ सकते? निर्दलीय इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं क्या? नहीं, पेंशन कमजोर है। हाँ जी, ये बताइए, जितनी सारी पार्टियां, इतनी लगातार देश के अंदर इतनी पार्टियां हैं, किसी ने भी पेंशनर का हित नहीं किया? सब ना किसी कोई बात उठाता पेंशनर की ढंग से, नाम के लिए आ जाएंगे, इलेक्शन के टाइम में आ जाएंगे, लेकिन नहीं उठाते। मेरा सवाल ये है कि पेंशनर करोड़ों में है, 1 करोड़ के लगभग पूरे देश में पेंशनर है EPS 95 से जुड़ा हुआ, 7 करोड़ से ज्यादा कंट्रीब्यूटर है, यानी कि 8 करोड़ परिवार, यानी कि 40 करोड़ वोटर सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। ये चाहे जिसकी सरकार बना दे, ये चाहे जिसकी सरकार हटा दे, लेकिन दूसरों की बनाते हो, दूसरों की बिगाड़ते हो, पेंशनर की सरकार कब बनेगी? जैसे 8 करोड़ पेंशनर्स है, उसके ऊपर डिपेंडेंट 8 करोड़ हर जिले में, तबके में, क्षेत्र में बटे हुए हैं, वो इकट्ठा ताकत नहीं हो सकती, इससे उनका कोई चुन के नहीं आ सकता। अच्छा, वो एक ही काम कर सकते हैं, अगर कोई नहीं, एक बता था, अगर वही काम कर सकता है कि जो हमारी मांगे मांगेगा उसके पीछे जाएंगे। अगर अगले बार पीछे चलते चलते तो बहुत टाइम हो गया, पीछे चलते एक मिनट, आपकी बार ये बोला जाएगा, आपकी बार पेंशनर की सरकार का ये नारा बुलंद होगा या पीछे चलेंगे? ये तो पीछे चलने वाले। नहीं नहीं नहीं, आप पेंशनर की जो बात करेगा वही देश पर राज करेगा, ये हमारा नारा है। पीछे लगाएंगे नारा के, आगे बढ़ के कुछ झंडा उठाएंगे? बिल्कुल नहीं, पीछे नहीं ना, आगे नहीं, हमारा बुलंद आवाज रहेगा कि जो हमारी पेंशनर की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ये बात सीधी सीधी मोटी मोटी हो रही है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो पेंशनर की बात करेगा वो देश पर राज करेगा की बात होनी चाहिए। पेंशनर को आगे उठाना चाहिए, पेंशनर को आगे बढ़ाना चाहिए, पेंशनर को अब वो मकाम, मैं नहीं मानता, बहुत सारे नेता आते हैं कि हम किसी पार्टी के पीछे चले जाएंगे, किसी उसके पीछे चले जाएंगे, किसी और जगह चले जाएंगे, किसी और को फॉलो कर लेंगे, किसी और के पीछे खड़े हो जाएंगे। कब तक दूसरों के पीछे खड़े रहोगे? कब तक दूसरों की बाट जोते रहोगे? कब तक मसीहा बनकर मसीहाओं की तलाश करते रहोगे? लोग नेता बन जाते हैं, गाड़ी घोड़ा सब ले लेते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा होने के बाद लोग आपको यूज कर लेते हैं जो वोट बैंक, लेकिन आज तक पेंशनर की बात करना, पेंशनर के साथ खड़ा होना, पेंशनर की पेंशनर खुद अपने लिए आगे बढ़कर चुनाव में क्यों नहीं उतरता, ये मेरा सवाल है। आपका क्या जवाब है? आपको क्या लगता है कि पेंशनर्स को अब इस बार खुद ही मैदान में आ जाना चाहिए और अब की बार पेंशनर की सरकार होनी चाहिए? आप में से अगर कोई भी इतना ताकतवर है, इतना शक्तिशाली है, जो मेरे विचारों से सहमत है और कहना चाहता है कि महाराष्ट्र फतेह करना है,
अगर महाराष्ट्र फतह करना है तो मुझे मेरे नंबर पर संपर्क करना, मैं आपको जिताने के लिए अपनी जान लगा दूंगा, जोर लगा दूंगा। और अब की बार मैं चाहूंगा कि महाराष्ट्र के सदन में, महाराष्ट्र की विधानसभा में पेंशनर भी आए और डायरेक्ट पेंशनर आए और पेंशनर आकर अपना काम करें, अपना नाम करें, अपनी ताकत बढ़ाएं और पेंशनर की सरकार बनाएं। लिख दीजिए कमेंट में, अगर आपको महाराष्ट्र फतह करना है तो लिख दीजिए महाराष्ट्र फतह करना है।